नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आने वाले शनिवार को शनि अमावस्या है और इसी दिन शनि जयंती भी है और इस बार की शनि जयंती बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है कि इस दिन कई ग्रहों का एक अद्भुत संयोग बन रहा है जो पूरे 972 वर्षों बाद ऐसा संयोग बनेगा। इस वर्ष शनि जयंती तब आ रही है जब शनि अपनी स्वराशि मकर में है। ऐसे समय में अगर आप शनि से किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, फिर चाहे शनि की साढ़े साथी हो, शनि की ढैया हो, शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो या प्रत्यंचर दशा हो, इस प्रकार की किसी भी परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो इस दिन शनि देव को प्रसन्न किया जा सकता है। और साथ ही हम वीडियो के अंत में बहुत ही चमत्कारी उपायों की बात करेंगे जिससे आपकी सभी परेशानी दूर हो जाएगी। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शायद आपको पता हो कि शनि एक साथ 7 से 8 राशियों पर अपना प्रभाव डालता है। कैसे? 3 राशियों पर तो साढ़े साथी की दशा चलती है, 2 राशियों पर ढैया की दशा चलती है, मतलब 3 और 2 कितनी हुई 5 राशि, और 3 राशियों पर उसका दृष्टि रहती है, 3 राशियों पर उसकी दृष्टि रहती है। चलिए ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको कुंडली के माध्यम से समझाता हूँ कि कैसे। मान लीजिए ये सामने आप कुंडली देख रहे हैं, फिलहाल शनि मकर राशि में है, तो मकर राशि से एक पहले की राशि हुई धनु और मकर राशि से एक आगे की राशि हुई कुंभ, तो इन तीनों पर तो चल रहा है साढ़े साथी, यानी शनि की साढ़े साथी जो दशा है वो चल रही इन तीनों राशियों पे। कौन कौन सी? धनु, मकर और कुंभ पर। मकर से छठी राशि, मकर से छठी राशि कौन सी होती है? मिथुन। और मकर से ही दसवीं राशि, और मकर से दसवीं राशि कौन सी होगी? तुला। तो मिथुन और तुला पर चल रही है ढैया, शनि की ढैया स्थिति चल रही है। इस तरह से ये हो गई 5 राशि। फिर बात करते हैं इसकी दृष्टियों की, तो सबसे जो मेन दृष्टि वो है सातवीं, तो शनि की जो सातवीं दृष्टि पड़ रही है कर्क पे, तो एक हो गई कर्क राशि। फिर शनि की जो तीसरी दृष्टि है, शनि की तीसरी दृष्टि वो है मीन राशि के ऊपर। शनि अगर मकर राशि पे है तो उसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी मीन के ऊपर, और फिर उसकी शनि की ही दसवीं दृष्टि भी मान्यता रखती है, तो शनि की दसवीं दृष्टि है वो पड़ेगी तुला राशि के ऊपर। तो इस प्रकार से 7 से 8 राशि, ये 7 राशि हुई, अगर शनि मकर की बजाय किसी और राशि पे होता तो टोटल 8 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता। इस प्रकार से धनु, मकर, कुंभ, मीन, तुला, कर्क, मिथुन, इन 7 राशि वाले लोगों पर शनि का प्रभाव पड़ेगा। और अगर शनि का प्रभाव पड़ रहा है तो इस दौरान आपको धन, मान सम्मान, शारीरिक कष्ट, रोजगार, व्यवसाय, नौकरी आदि में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इन परेशानियों से बचने के लिए आप इन उपायों को अगर करते हैं तो निश्चित ही आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। चलिए उपायों की बात करते हैं। तो पहला उपाय है कि इस दिन यानी कि शनि अमावस्या के दिन या शनि जयंती के दिन आप हलवा, पूड़ी व छोले की सब्जी बनाकर गरीबों में बांट सकते हैं या धार्मिक स्थान पर जाकर बांट सकते हैं। वैसे आपको मालूम है कि इस समय पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो आप हो सकता है कि मंदिर ना जा सको, तो कहीं पर भी आजू बाजू मोहल्ले में किसी पे कहीं पर भी अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो उनको इस प्रकार का दान दे सकते हो। दूसरा उपाय, गरीबों या ज़रूरतमंद लोगों को जूते चप्पल का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि शनि जो है वो जंघाओं से नीचे के जो पैर है उसका कारक है, तो अगर आप इस प्रकार की चीज़ों का दान करते हो तो इससे शनि प्रसन्न होते हैं। हम बात करते हैं इसके तीसरे उपाय की, तिल के तेल का उपाय। तिल का तेल, एक कटोरी में तिल का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखकर इसे कटोरी सहित शनि मंदिर में रखाएं। ऐसा माना जाता है कि शनि देव इससे प्रसन्न होते हैं और शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। चौथा उपाय, काली उड़द से उपाय या काली उड़द का उपाय। शनि जयंती से पहले दिन सवा पाव साबुत काली उड़द लें, उसे एक काले कपड़े में बांध लें और रात को सोते समय अपने पास रखें।
हाँ, सोते समय बिस्तर पर आपके अलावा कोई दूसरा न हो। शनि जयंती के दिन प्रातःकाल स्नानादि से के पश्चात शनि मंदिर जाएं और वहां पर इसे रखाएं। इस उपाय को आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। इसमें आपको शुक्रवार की रात इसे साथ रखकर सोना होता है। पांचवा उपाय, काले सुरमे का उपाय। शनि जयंती के दिन एक शीशी में काला सुरमा लेकर उसे किसी से भी अपने ऊपर से 9 बार उतरवा ले और किसी सुनसान जगह पर गाड़ दे। शनिवार के दिन भी ये टोटका अजमाया जा सकता है। छठा उपाय, यदि आप शनि से पीड़ित हैं तो नीलम रत्न या फिर लोहे का छल्ला धारण ना करें। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ये दोनों में से कुछ भी पहनते हैं इन दशाओं में तो शनिदेव का कुप्रभाव और भी आपके ऊपर बढ़ सकता है। ये थे कुछ उपाय। अगर आप इन उपायों को श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी अगर शनि की वजह से हो रही है तो वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी और आपके घर में खुशियाँ आ जाएगी। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।